महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगे वो उसे निभाएंगे। दरअसल उनसे सवाल किया गया कि अगर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाए जाने की पेशकश की जाएगी तो उनका रुख क्या होगा। इस पर फडणवीस ने कहा, मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता, वास्तविकता में जीने वाला व्यक्ति हूँ, जब जहाँ बुलाया जाएगा चला जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं जिस पार्टी में हूँ वहाँ कोई चॉइस नहीं होती, मुंबई में बोला जाएगा तो वहाँ रहूंगा, दिल्ली में बोला जाएगा तो वहाँ जाऊंगा, और अगर मेरे घर नागपुर में कहा जाएगा तो वहाँ जाऊंगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगे वो उसे निभाएंगे। दरअसल उनसे सवाल किया गया कि अगर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाए जाने की पेशकश की जाएगी तो उनका रुख क्या होगा। इस पर फडणवीस ने कहा, मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता, वास्तविकता में जीने वाला व्यक्ति हूँ, जब जहाँ बुलाया जाएगा चला जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं जिस पार्टी में हूँ वहाँ कोई चॉइस नहीं होती, मुंबई में बोला जाएगा तो वहाँ रहूंगा, दिल्ली में बोला जाएगा तो वहाँ जाऊंगा, और अगर मेरे घर नागपुर में कहा जाएगा तो वहाँ जाऊंगा।